मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इसके रिस्क फैक्टर में नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और मॉडिफाइबल हो सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल में एज आ गई, फैमिली आ गई, मॉडिफाइबल के अंदर लिपिड प्रोफाइल आ गया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस और स्मोकिंग आ गया। अब देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसमें अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या होता है? इसके अंदर आता है अनस्टेबल एंजाइना, स्टेमी, स्टेमी, एनस्टेमी, सडन कार्डियक डेथ। लेस कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, मोस्टली जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है उसका उसके पीछे रीज़न होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। बाकी लेस कॉमन कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? कोरोनरी आर्टरी एम्बोलस, जो कि आर्टरियल फिब्रिलेशन में हो सकता है या फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर हो सकता है। फिर वेस्कुलाइटिस, जैसे कि कावासाकी डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ इन अ चिल्ड्रन। पोलियाट्राइटिस नोडोसा में भी होता है। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी वेजोस्पाज़म हो सकता है एक रीज़न, या फिर एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस हो सकता है एक रीज़न, या फिर कोई भी कॉज जहाँ पे कंसेंट्रिक वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, जो कि हाइपरटेंशन में देखने को मिलती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर देखने को मिलती है और एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस में देखने को मिलती है। सो देयर इज़ मोर हार्ट मसल टू सप्लाई, सो यहाँ पे भी क्या हो सकता है? हार्ट अटैक हो सकता है। स्टेबल एंजाइना की बात करें तो प्लाक क्या होता है? इसके अंदर रप्चर नहीं हुआ होता है। जो प्लाक होता है वो ओक्लूड करता है मोर देन 75% ऑफ आर्टरी। अब पेन जो होता है वो रेट्रोस्टर्नल पेन होता है, जो कि रेडिएट कर सकता है आर्म में, जॉ में और नेक में। ये पेन कैसा होता है? स्क्वीजिंग और क्रशिंग टाइप होता है। दिस पेन कैन बी रिप्रोड्यूसिबल बाय फिजिकल एक्जर्शन और इमोशनल स्ट्रेस एंड और ये 5 मिनट के अंदर रिलीव हो जाता है विद रेस्ट या फिर सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन। तो इसके अंदर नियर टोटल ऑक्लूजन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोलेट्रल सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है। अब बात करते हैं, एक पॉइंट होता है कोरोनरी स्टील सिंड्रोम का। तो क्या होता है? कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट में हम देते हैं एक वैसोडायलेटिंग मेडिकेशन जिसका नाम होता है डाईपिरिडामोल। ये डाईपिरिडामोल क्या करती है? इट लीड्स टू ब्लड जो होता है स्टोलन हो जाता है फ्रॉम इस्कीमिक एरिया टू नॉन स्कीम एरिया, नॉन स्कीमिक एरिया। इसी को क्या कहते हैं? कोरोनरी स्टील सिंड्रोम कहते हैं। ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट ये डिप्रेशन देखने को मिलता है और कार्डियक मार्कर इसके अंदर कैसे होते हैं? नॉर्मल होते हैं। वेरिएंट एंजाइना, जिसे प्रिंज मेटल एंजाइना भी कहते हैं, इसके अंदर कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक नहीं होता है। एंजाइना रेस्ट में भी हो सकता है। यह होता है ड्यू टू वेजोस्पाजम ऑफ कोरोनरी आर्टरी। इसके पीछे रीज़न क्या क्या हो सकता है? ट्रिप्टन हो सकता है, अल्कोहल, कोकेन, स्मोकिंग, ये सब हो सकते हैं। ड्यू टू ट्रांसम्यूरल स्कीम या अ 24 आवर ECG होल्टर मॉनिटरिंग शोज ट्रांजियंट ST सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलता है। ट्रोपोनिंग लेवल इसके अंदर नॉर्मल होता है। इसके अलावा लो डोज वेजो कंस्ट्रक्टिव मेडिकेशन इर्गोनोविन इज गिवन विच प्रोवोक वेजोस्मासम कॉजिंग ट्रांजियंट एलिवेशन ऑफ ST सेगमेंट। ट्रीटमेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर नाइट्रोग्लिसरिन दे सकते हैं। अब बात करते हैं अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसकी खासियत होती है कि इसमें प्लाक जो होता है वो रप्चर हो जाता है। अनस्टेबल एंजाइना की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसमें क्या पूरा ऑक्लूजन नहीं हुआ होता है। ट्रोपोनिन लेवल भी इसके अंदर नॉर्मल होते हैं। इसकी खासियत यह होती है कि इसके अंदर ST सेगमेंट डिप्रेशन होता है। जहाँ ST सेगमेंट डिप्रेस हो जाता है वहीं पर टी वेव क्या हो जाती है? इनवर्स हो जाती है। एन स्टेमी की बात करें तो एन स्टेमी के अंदर मिलता है, देखो जो स्टेमी होता है ना वो ज़्यादा डेंजरस होता है। एन का मतलब नहीं होता है, ये ज़्यादा डेंजरस। तो एन स्टेमी में सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो एंडोकार्डियम होती है वो सबसे दूर होती है ब्लड सप्लाई से। ये जो एंडोकार्डियम होती है वो ECG के अंदर वही ST सेगमेंट डिप्रेशन होगा। जब ये डिप्रेशन होगा तो टी वेव का भी क्या हो जाएगा? इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, पहचान लेना, पहचान पाओ। तो स्टेमी की बात करते हैं तो इसके अंदर 100% ऑफ ल्यूमन जो होती है उसका क्या हो जाता है? ऑक्लूजन हो जाता है। इसीलिए इसको ट्रांसम्यूरल इन्फेक्शन भी कहते हैं। ST सेगमेंट इसमें एलिवेशन देखने को मिलता है। कार्डिक बायोमार्कर की बात करें तो ट्रोपोनिन और क्रिएटिन काइनेस MB होता है।
ट्रोपोनिन पीक करता है 48 आवर्स में, और ये 7 से 10 दिनों तक क्या है एलिवेटेड रहता है, जबकि क्रिएटिन काइनेज जो होता है MB ये पीक करता है 24 घंटे के अंदर, और 48 घंटे के अंदर तो ये नॉर्मल में भी आता है। तो इसका यूज़ करते हैं री इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में, ठीक है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फेक्शन में LDH पैटर्न जो होता है उसकी फ्लिपिंग देखने को मिलती है। तो नॉर्मली क्या होता है, LDH2 जो होता है वो ब्लड में मिलता है, LDH1 जो होता है वो हार्ट में देखने को मिलता है। तो जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ तो LDH1 ज़्यादा हो जाता है,